हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं फिर से मुंबई के पाली हिल इलाके में, और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के 70 दशक के एक महान अभिनेता संजीव कुमार जी का घर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इनके नाम से आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने शोले मूवी जरूर देखा होगा, जिसमें धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी हीरो का रोल अदा करते हैं, लेकिन उसमें ठाकुर का रोल अदा करते हैं हमारे संजीव कुमार जी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कई सारी मूवी में हीरो के तौर पे भी काम किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इतने बड़े महान अभिनेता संजीव कुमार जी का घर मुंबई में कहाँ पर है, वो मुंबई में कहाँ पर रहते थे, और अभी उनके उस घर में कौन कौन रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनके घर के टूर के साथ साथ उनके बायोग्राफी के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में गाइज पूरा लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, साथ में आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी प्रिंस के ब्लॉग और मेरा फेसबुक पे पेज है प्रिंस के ब्लॉग नाम से, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको कई सारी वीडियो देखने को मिलेगी। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमारे संजीव कुमार जी का घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, हम लोग संजीव कुमार जी के घर के पास पहुँच चुके हैं, और ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, यही संजीव कुमार जी का घर है जहाँ पे वो रहा करते थे, और अभी भी उनकी पूरी फैमिली इसी घर में रहती है। अभी हम आपको नज़दीक ले चल के मेन गेट के पास से पूरा इस घर का टूर कराएंगे, और साथ में उनके बायोग्राफी के बारे में भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इस घर में कौन कौन से लोग रहते हैं। दोस्तों, संजीव कुमार जी अपने ज़माने के काफ़ी फेमस एक्टर रह चुके हैं, और उन्होंने बॉलीवुड जगत में अपना लोहा मनवाया है। संजीव कुमार जी का जन्म सूरत में 9 जुलाई 1968 को जेठालाल जरीवाला के एक मध्यवर्गीय गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। इनका जन्म का नाम हरिहर जरीवाला था, लेकिन प्यार से सभी लोग इन्हें कुटुंबी और संबंधी इन्हें हीरा भाई जरीवाला ही कहते थे। संजीव कुमार जी के दो छोटे भाई और एक बहन भी थी। ये लोग पहले सूरत रहा करते थे, लेकिन बाद में मुंबई में ही आकर बस गए। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं गेट पे, तो देखिए यही इनके घर का मेन गेट है। इसमें दो बिल्डिंगें हैं, ए विंग और बी विंग। तो ये जो आपको बिल्डिंग मैं दिखा रहा हूँ, इसी बिल्डिंग में संजीव कुमार जी का वो घर है जहाँ पे वो रहा करते थे, और अभी भी उनकी फैमिली यहीं पर रहती है। देख सकते हैं यहाँ पर नेम प्लेट लगाया गया है, और यही उनके घर का मेन गेट है। काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरे बिल्डिंग को सजाया गया है, वाइट कलर की बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये बिल्डिंग। आपको हम बता दें, जब आप लोग आमिर खान के घर के पास आएंगे तो वहीं से जो बाजू वाली गली गई है वहीं पे ये पड़ता है, यानी कि मुंबई के पाली हिल में ही इनका ये घर है। संजीव कुमार जी को 1960 में फिल्मालय बैनर की फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और एक के बाद एक फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से वे एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बने। दोस्तों, आपको बता दें कि संजीव कुमार जी ने विवाह नहीं किया, लेकिन प्रेम कई बार किया था। उन्हें यह अंधविश्वास था कि इनके परिवार में बड़े पुत्र के 10 वर्ष का होने पर पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके दादा, पिता और भाई सभी के साथ यह हो चुका था। संजीव कुमार ने अपने दिवंगत भाई के बेटे को गोद लिया, और उसके 10 वर्ष का होने पर उनकी मृत्यु हो गई। संजीव कुमार जी दिलीप कुमार जी के साथ संघर्ष में काम किए। फिल्म खिलौना ने इन्हें स्टार का दर्जा दिलाया। इसके बाद इनकी हिट फिल्म सीता और गीता और मंचली प्रदर्शित हुई। 70 के दशक में इन्होंने गुलजार जैसे दिग्दर्शक के साथ काम किया। इन्होंने गुलजार के साथ कुल 9 फिल्में की, जिनमें आंधी 1975, मौसम, अंगूर, नमकीन प्रमुख फिल्में हैं। फिल्म शोले 1975 में जो मूवी आई थी, और उसमें इन्होंने बलदेव सिंह ठाकुर का रोल अदा किया था, और वो रोल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उन्हें लोग याद करते हैं। दोस्तों, संजीव कुमार जी की जो जीवनी है वो काफ़ी विचित्र करने वाली है। इनका घर तो काफ़ी आलीशान आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन आपको बता दें कि संजीव कुमार जी जीवन भर कुंवारे रहे हैं। वो अभिनेत्री हेमा मालिनी से प्यार करते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अभिनेत्री जया भादुड़ी को वास्तविक जीवन में अपनी बहन बनाया, और इसके बाद फिल्मों में उनके साथ जोड़ी नहीं बनाई। फिल्म उद्योग से उनके सबसे करीबी दोस्त राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर,
तनुजा, देवेन वर्मा, शिवाजी गणेशन और बी नागी रेड्डी थे। संजीव कुमार जी अपने जमाने में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। दोस्तों, केवल 47 वर्ष की आयु में सन 1985 में हार्ट अटैक की वजह से इनका मुंबई में निधन हो गया। 1960 से 1984 तक पूरे 25 साल तक ये लगातार फिल्मों में काम किए हैं और अपना लोहा भी मनवाए हैं। ये इनके बिल्डिंग का दूसरा गेट है, आप लोग जो देख रहे हैं, इस भी बिल्डिंग में आपको दो गेट नज़र जरूर आएंगे। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, जहां तक लोग संजीव कुमार जी को कंजूस समझते थे ना, वहीं दूसरी तरफ हनीफ जावेरी ने अपने किताब में इस बात को लिखा है कि संजीव कुमार जी बिना किसी हिसाब किताब के फिल्म इंडस्ट्री के कई मशहूर लोगों को पैसे दे रखे हैं। जी हाँ, संजीव कुमार के सचिव रहे जमुना दास ने उनके परिवार में इस बात की जानकारी दी थी कि उन्होंने करीब 94,36,000 रुपए कर्ज दिया हुआ है। ये रकम आज के वक्त में बहुत बड़ी है, तो उस जमाने में कितनी बड़ी होगी, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इन्होंने कई सारे फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि प्रोफेसर की पड़ोसन, राही, कत्ल, कांच की दीवार, राम तेरे कितने नाम, जबरदस्त, मेरे दोस्त मेरा दुश्मन, पाखंडी, यादगार, हीरो, अंगूर, सवाल, सुराग जैसी सैकड़ों फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो ये जो इनका घर है, ये मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित है। आप जब आएंगे आमिर खान के घर के पास, मरीना विस्टा के पास, वहीं से ये गली कटी हुई है, ठीक है। तो पूरा एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, और जैसे आएंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे यही आपको घर देखने को इनका मिलेगा। तो गाइज, उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको 60 से 70 दशक के महान अभिनेता संजीव कुमार जी के घर का पूरा टूर करा दिया है। जो आलिशान सी बिल्डिंग दिख रही है, इसी में वो रहा करते थे। जी हाँ, तो उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। देखिए, यहाँ पर इस बिल्डिंग का नाम भी लिखा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो जल्द ही मिलते हैं गाइज नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।